खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरसुंडी में बच्चों का भविष्य चौपट, जहां झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी बच्चों की। आपको बता दें कि एक तरफ केंद्र सरकार साफ सफाई का गीत गा रही और दीवारों में सफाई के प्रति जागरूकता के लिखे लाखों रुपए खर्च कर रही, वहीं गांव में नियुक्त सफाई कर्मी कभी कभार ही सफाई करने आते हैं। सरकार द्वारा लाख कोशिशों के बाद भी सरकार के नुमाइंदे सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एक ओर सरकार स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकालकर अभिभावकों व बच्चों को जागरूक करने का प्रयास कर रही, किंतु अभी तक अध्यापक की जागरूक नहीं है। सरकार की यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी विद्यालयों में आकर शिक्षा का लाभ उठा सके, वहीं दूसरी ओर अध्यापक सरकार की मंशा पर पूरी तरह पानी फेरते नजर आ रहे हैं। अध्यापकों की मनमानी के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी भी बच्चों की है, बच्चों से विद्यालय परिसर में झाड़ू भी लगवाई जा रही है। ऐसा ही एक नज़ारा 8:20 सरीला तहसील क्षेत्र के ग्राम हरसुंडी के प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला, जहां पर प्रधानाध्यापक अलख राम व सहायक अध्यापक राम अवतार और अतुल कुमार ही नहीं पहुंचे। बच्चे कक्षा 4 व कक्षा 3 में झाड़ू लगाते नजर आए व अन्य बच्चे मौके पर मिले। बच्चों से पूछने पर बताया कि गुरुजी अभी नहीं आए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। क्या ऐसे ही बच्चे पढ़ेंगे? क्या ऐसे ही देश का विकास होगा? अध्यापकों को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं, ये जमकर मनमानी करते नजर आ रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। जबकि विद्यालय 7:30 पर खुल जाना चाहिए व 8 तक साफ सफाई व प्रार्थना होकर शिक्षण कार्य शुरू हो जाना चाहिए। हमीरपुर से महेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट।